हाय फ्रेंड्स, childha.com में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारी पुरानी रेसिपी पसंद आई होगी। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं पोहा। पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम पोहा, आलू, प्याज, हरी मिर्च, मीठा नीम या करी पत्ता, मूंगफली, राई, जीरा, शुगर या चीनी, नींबू, धनिया पत्ती, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और नमकीन। पोहा बनाने के लिए हमें सबसे पहले पोहा को छलनी में डालकर पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद पोहा को छलनी में ही रहने देंगे ताकि पोहा का अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाल देंगे। अब इसमें हम सबसे पहले मूंगफली को ऑयल में डालकर तल लेंगे। जब मूंगफली ब्राउन हो जाएगी तब हम उसे बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद गरम ऑयल में 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई डालकर पकाएंगे। अब इसमें कटे हुए आलू और करी पत्ता या मीठे नीम के पत्ते डालकर मिलाएंगे। जब आलू थोड़े पक जाएं, तो उसके अंदर कटे हुए प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डालकर मिलाएंगे। इसके बाद 1 टीस्पून नमक और 3/4 टीस्पून हल्दी डालकर मिलाएंगे। अब पैन में 3/4 टीस्पून लाल मिर्च डालकर मिलाएंगे। छलनी में रखे हुए पोहा को बाउल में डाल देंगे। इसके बाद बाउल में रखे हुए पोहे को पैन में डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। तली हुई मूंगफली को पोहे में डालकर मिला लेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार 1 टीस्पून शुगर या चीनी और 1 टीस्पून नींबू का रस डालकर मिला लेंगे। अब हम इसे प्लेट में डालकर नमकीन और धनिया पत्ती के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। इस तरह से हमारा पोहा खाने के लिए तैयार है। इसके बाद आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके हमारी अन्य रेसिपीज को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए गुड बाय।